नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरिद्वार भेल में मौजूद केंद्रीय विद्यालय द्वारा ही पिछले साल क्लास एक में प्रवेश कर दिया गया था और इसको लेकर अभिभावक काफी चिंतित थे कि कहीं विद्यालय को बंद ना कर दिया जाए। उनके द्वारा हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर इसका समाधान निकालने की मांग की गई थी, मगर कोई नतीजा ना निकलने के बाद अभिभावक काफी आक्रोशित हैं और अभिभावकों का द्वारा ही बच्चों के साथ विद्यालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई है कि विद्यालय में कक्षा एक के प्रवेश को शुरू किया जाए। अभिभावकों का कहना है कि हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को हमारे द्वारा केंद्रीय विद्यालय की समस्या से अवगत कराया गया। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि किस समस्या का समाधान किया जाएगा, मगर जब वो शिक्षा मंत्री बने उसके बाद भी उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। अभिभावकों का कहना है कि हरिद्वार में सिर्फ एक यही केंद्रीय विद्यालय है जो बंद होने की कगार पर है, क्योंकि अभी विद्यालय द्वारा कक्षा एक में प्रवेश बंद किया गया है, बाद में और भी कक्षा को बंद कर दिया जाएगा। और इस विद्यालय में 2000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और भेल में मौजूद पहले भी एक केंद्रीय विद्यालय बंद हो चुका है। अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि इस विद्यालय को बंद ना किया जाए और इससे बच्चे को भविष्य खराब ना हो। ये विरोध इसलिए किया गया है कि पिछले कुछ समय से लगातार हम जो है क्षेत्रीय सांसद जी को केंद्रीय विद्यालय की समस्या से अवगत करा रहे थे। उन्होंने कई बार हमें आश्वासन भी दिया कि इस समस्या का समाधान हो भी जाएगा, कई बार दिल्ली भी गए, लिहाजा जब वो खुद भी मंत्री बन गए तब भी उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं करा केंद्रीय विद्यालय की। आज स्थिति ये आ गई कि केंद्रीय विद्यालय एक इकलौता हरिद्वार के अंदर विद्यालय है जो बंद होने की कगार पे है। अभी धीरे धीरे उन्होंने कक्षा एक में प्रवेश लेना बंद किया है, निश्चित ही फिर अगले साल फिर अगली क्लास में बंद हो जाएंगे। वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो क्षेत्र के सांसद हैं, उनकी पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जो है केंद्रीय विद्यालय की समस्या को तुरंत अभी अपने संज्ञान में लेकर के ये एडमिशन शुरुआत करें एडमिशन कराने की। लगभग कितने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? लगभग 2000 के लगभग बच्चे हैं और इसमें खाली BHL एम्प्लॉइज नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग कितने केंद्रीय विद्यालय जो बंद हो गए? आपका? मेरा नाम सुधा पाल है। मेरे बच्चे काफी बच्चे स्कूल में जाते हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज स्कूल को बंद मत कीजिए। जहाँ शिक्षा को इतना बढ़ावा मिल रहा है और आप ही स्कूल बंद कर रहे हैं, कितने दुख की बात है, बहुत दुखद है। तो आपके कितने बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे थे और बंद होने से कितना फर्क पड़ेगा? बंद होने से शिक्षा नियंत्रण नीचे की तरफ ही जाएगी। आप देखिए बच्चे कितने बच्चों का भविष्य खराब होगा। ये मैं सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ, प्लीज आप भी आगे बढ़ाइए इसको और प्लीज स्कूल को बंद मत होने। इतना नाम है केवी का, हमें तो बहुत दुख हो रहा है इस बात का। लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, फिर ये स्कूल भी बंद होने की कगार पे है। तो शिक्षा को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, वहाँ स्कूल को बंद किया जा रहा है। स्कूल तो बंद किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे हम, और ये हम इसको आगे आंदोलन में और आगे बढ़ाएंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नैनीताल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला पहली बार यहां पर बिंदु खट्टा पहुंचे और उन्होंने युवा मोर्चा बिंदु खट्टा मंडल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बंपर वोटों से जीत दर्ज करेगी और पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने पार्टी आलाकमान का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन रुका। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे प्रदेश के छात्रों में विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं जनपद के तमाम हिस्सों में यूथ कांग्रेस ने अपना आक्रोश दिखाते हुए विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार डिग्री कॉलेज में पढ़ाई बंद कराई और जिसके बाद छात्र तहसील परिषद में पहुंचे और जहां पर देश और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस के छात्र साथी बता दें आपको कि छात्रों की झड़प हो गई और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने छात्रों से पुतला छीन लिया और जिससे छात्रों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दी है। भर्ती घोटाले को लेकर छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। युवाओं ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए युवाओं की आवाज दबाने का आरोप भी लगा दिया है और इस दौरान छात्रों ने कहा कि पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, जिससे छात्रों और युवाओं में प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के भारी आक्रोश नजर आ रहा है। हमारा यह कहना है सर्वप्रथम
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। कल जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ उसकी यूथ कांग्रेस घोर निंदा करता है। जिसके जो कल घटना उसके संदर्भ में आज कॉलेज महाविद्यालय बंद भी कराया जा रहा है। अभी इसके बाद तुरंत ही मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया जाएगा। हमारी यह मांग है, जो भी उत्तराखंड में जब से भाजपा की सरकार आई है, निरंतर बढ़ती घोटाले, पेपर लीक, वो आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिल रही है, ठीक है। हम ये चाहते हैं उन भर्ती घोटालों की, जो पेपर लीक हुए, जल्द से जल्द उनकी CBI जांच हो। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे और कल जिन पुलिस प्रशासन द्वारा युवाओं में लाठीचार्ज हुआ उनको तुरंत निष्कासित किया जाए। मेरा नाम मनीषा सिंह राजपूत है और मैं इस कॉलेज की छात्रा हूँ MA 1st SEM की। जो कल घटना हुई मैं उससे काफ़ी मतलब सरकार के मैं इनके खिलाफ हूँ। मतलब अच्छा नहीं हुआ, मैं भी गांव से यहाँ मतलब रूम लेके पढ़ती हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, 8 महीने कोचिंग करी, तो बच्चे जिस प्रकार से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनके सपोर्ट में हूँ। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब से भाजपा की सरकार आई है मैं तो इसके विरोध में हूँ। बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नाइंसाफ़ी है भाई। उनको कानूनी तौर पर अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके साथ मारपीट करके, उनके साथ गलत करके, ये कहाँ का न्याय है। मैं तो जब से सरकार आई है मैं सबके खिलाफ हूँ, सबके। देहरादून में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का मामला अब हर जगह तूल पकड़ने लगा है और इसी सिलसिले में आज पिंडर घाटी के देवाल ब्लॉक में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इस कार्रवाई की जांच की है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जांच की लगातार मांग भी की जा रही है। देवाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को निंदनीय बताते हुए देवाल बाजार में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया है और पेपर लीक प्रकरण की CBI जांच कराए जाने की भी मांग की गई है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता महावीर बिष्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार रोजगार तो उपलब्ध करा नहीं पा रही, उल्टा बेरोजगार युवाओं पर रोजगार मांगने का लाठियां बरसाई जा रही है और आए दिन बताया जा रहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, जो बताता है कि सरकार युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर कितनी असंवेदनशील बनी हुई है। देखिए, जिस तरह से कल प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं की जो भर्ती घोटालों में CBI जांच की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, उसमें बर्बरतापूर्ण जिस तरह से लाठीचार्ज किया वो बहुत ही निंदनीय है। उसके विरोध में आज यहां पर तमाम लोगों ने उनका प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपनी आपत्ति, अपना विरोध प्रदर्शन किया। हम सरकार से यही चाह रहे हैं, अगर इस प्रदेश का युवा CBI जांच की मांग कर रहा है, अगर सरकार इतनी निष्पक्ष है, अगर सरकार इसमें दोषी नहीं है, तो CBI जांच से क्यों डर रहे हैं। सरकार को शीघ्र इसमें CBI जांच करनी चाहिए और बेरोजगार युवाओं के साथ जो ये छलावा हो रहा है ये नहीं होने दिया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब पहाड़ का युवा जाग गया है, उत्तराखंड का युवा जाग गया है, इस सरकार को युवाओं के पक्ष में फैसले लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो इस सरकार को कुर्सी पे बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। सितारगंज में मंडी परिसर में ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर परीक्षण दिया गया और इसमें आशा कार्यकर्ता, ANM ग्राम पंचायत सदस्य, समूह की महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। पंचायती राज विभाग की ओर से नामित संस्था माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के राज्य परीक्षण आशुतोष पांडे ने सभी को परीक्षित किया और उन्होंने ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का परीक्षण दिया है। बता दें आपको, RGS के तहत ही विकास के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और बताते चलें कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम के तहत सितारगंज मंडी परिसर में ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना और अन्य विभाग द्वारा ही संचालित अन्य कार्यक्रम के संबंध में 2 दिवसीय महिलाओं की मंडी परिसर में बैठक कर उनको जानकारी दी गई है। उनको बताया गया है कि किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है और इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी वार्ड मेंबर और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कार्यक्रम को सफल बनाया है। पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में जो है RGS से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के तहत ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें आशा, ANM, आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर शामिल हैं।
इसके तहत जैसे ग्राम पंचायत में जो GPDP तैयार होना है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना जो तैयार होनी है, इसके तहत इसमें जो है कैसे क्या क्रियान्वयन किया जाए उसके बाद आ रहा है। तो आंगनबाड़ी, आशा, उसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर। एक कोचिंग सेंटर के कुछ छात्र छात्राएं भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदर्शन करने की योजना को थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने विफल कर दिया है। थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय अपनी टीम सहित कोचिंग सेंटर पहुंचकर छात्रों और छात्राओं को समझाया और कहा, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए और इन राजनीतिक में पढ़कर अपना भविष्य नष्ट ना कीजिए। आप में काबिलियत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप IAS IPS की तैयारी करिए और आप परीक्षा को ना कराने का विरोध ना करें। साथ ही ये भी कह दिया कि क्या अपने पास इस विरोध प्रदर्शन की लिखित अनुमति है, और इस पर छात्रों ने कहा कि नहीं है। अंत में ये कहा गया कि आप किसी के बहकावे में आकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसो सर ने अभी हमें समझाया या फिर बच्चों की पूरी सबकी काउंसलिंग हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से घर जाइए। और उन्होंने समझाया अब सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। अभी जैसे उत्तराखंड पुलिस का भी रिजल्ट भी आया, तो उसमें कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और आगे भी शायद हमें आशा है कि और बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग अब घर जाए। हरिद्वार के बिरागी कैंप में गड्ढा खोदकर दबाई गई लाखों की सरकारी दवाइयों के मामले में कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के ही ACMO डॉक्टर पंकज जैन की तहरीर पर बहादुराबाद के ही सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर हेमंत आर्य और वार्ड बॉय अजय कुमार और एक अज्ञात के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार के ही SSP अजय सिंह ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि 3 दिन पहले हरिद्वार के बैरागी कैंप में नगर निगम की JCB से गड्ढा खोदकर लाखों की सरकारी दवाइयां दबाई गई थी और हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने पुन गड्ढे को खुदवाया और करीब 3 लाख रुपए की दवाई जो है बरामद की थी। और इस मामले में मुख्य नगर आयुक्त द्वारा JCB चालक को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था और अब बहादुराबाद के ही सरकारी अस्पताल में तैनात एक चिकित्सक और वार्ड बॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। ACMO के द्वारा प्राथमिक जांच करके एक तहरीर जो है थाना कनखल पे दी गई थी कि बैरागी कैंप क्षेत्र में JCB गड्ढा करके वहां काफी सारे लाखों की संख्या में जो है दवाइयों को डम किया गया है। और इसके बाद उनके द्वारा जो है इसमें 3 लोग को, 2 लोग को नेम्ड करते हुए और एक अज्ञात के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें एक डॉक्टर है और एक कंपाउंडर है एक हॉस्पिटल के, साथ ही साथ एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। चूंकि प्राथमिक रूप से यह भी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक JCB चालक को बुलाकर जो पूर्व में उस डॉक्टर के परिचित था उससे वहां गड्ढा करा के ऐसी एक्सपायर्ड दवाएं और उसमें बहुत सारी अनएक्सपायरी की दवाएं भी हैं जिसको डम किया गया था। किन परिस्थितियों में किया गया, उसके पीछे क्या मंशा रही थी, इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें 2 लोग को ही नेम्ड किया गया था, एक अन्य अज्ञात को किया गया। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन अगर आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके बाद अगर कोई अन्य भी संलिप्त होगा तो उसका भी उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती, पेपर नकल माफियाओं पर जारी है। JEE और AE परीक्षा प्रकरण में हरिद्वार SIT ने 4थी गिरफ्तारी की है। हरिद्वार SIT ने नकल माफिया और संदिग्ध कोचिंग सेंटर के गठजोड़ का भी खुलासा किया है। ऑपरेशन लीक कराकर मोटी रकम वसूलते थे और किसी कारणवश चयन न होने पर पूरी परीक्षा निरस्त कराने का खेल भी सामने आया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मालिक के संपर्क में ही कुछ छात्र संगठनों के लोग थे और पूर्व में 3 अभियुक्तों के कब्जे से कुल 7 लाख रुपए के अवैध अर्जित नकदी और कई बैंकों के ब्लैंक चेक बरामद किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि अगर मेरी कोचिंग सेंटर से ज्यादा लड़के सिलेक्ट होंगे तो मेरे कोचिंग का नाम होगा, तभी ज्यादा लड़के मेरे कोचिंग सेंटर पर आएंगे। मगर मेरे सेंटर से लड़के सिलेक्ट नहीं होते तो हम परीक्षा रद्द कराने के लिए पैसा देकर धरना प्रदर्शन भी करा देते।
प्रश्न पत्र लिखे संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा 3 तारीख को दर्ज कर लिया गया था थाना कनखल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे, उसके बाद जो है 3 लोग इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जेनेस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी परीक्षा कैंसिल, और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफ़ी अहम जानकारी मिली है। इसके द्वारा जो अभी 2 लाख रुपये से नकद इसके बरामद हुए, कुछ चेक्स भी बरामद हुए छात्रों के जो गारंटी के तौर पर इसके कब्जे में रखे हुए थे छुपाकर। साथ ही साथ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के क्रम में ही कल शाम नगर क्षेत्र में जोशीमठ नगर वासियों ने विशाल मशाल जुलूस निकाला है। सैकड़ों आपदा प्रभावित व्यापारी वर्ग सहित नगर क्षेत्र की आम जनता का जन सैलाब उमड़ा और मशाल जुलूस में ही बद्रीनाथ लपोवन तिराहे से होकर नटराज चौक के सीधा जुलूस पहुंचा, और TCP मार्केट मशाल जुलूस में शामिल आपदा प्रभावितों की माने तो सरकार द्वारा लगातार अपेक्षा के खिलाफ और सरकार के नकारेपन के खिलाफ ये मशाल जुलूस निकाला गया है। और इसके साथ ही बता दें आपको कि 1 महीने से ज्यादा के समय गुजरने के बाद भी अब तक निस्थापन पुनर्वास सभी वर्गों को उनके अध्यासाय के हिसाब से उचित मुआवजा, नुकसान की उचित भरपाई और दशाओं और तबाही के कारण की उचित पड़ताल और समाधान अब तक सरकार नहीं कर पाई है। वहीं विनाशकारी परियोजनाओं पर रोक को लेकर भी सरकार का कोई सकारात्मक कदम नहीं दिख रहा, लिहाजा जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा ही एक बार फिर सरकार को गाने के लिए यह मशाल रैली का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है, और डीजी इलाकों की बात की जाए तो वहीं पर बता दें आपको स्थानीय लोगों को ठंड से बचने की राहत जरूर मिल गई थी, लेकिन फिर से अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए फिर से निचले इलाकों में बारिश होने के कारण फिर से ठंड बढ़ा चुके हैं। और वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम लगातार इस बर्फबारी में पार्क में जंगली जानवरों की हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, और लगातार बर्फबारी होने के बाद भी टीम लगातार गश्त कर रही है। बताते चले कि जिससे कि इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम पार्क में निगरानी अच्छे से कर रही है। उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षण अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में पौड़ी पहुंची और मुख्यालय की सड़कों पर पद यात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभियान के ही केंद्रीय पर्यवेक्षण अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर जमकर बरसे हैं, लाठी चार्ज की कड़ी निंदा की है। अजय कुमार लल्लू ने बताया है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन पर पुलिस का सहारा लेकर लाठियां बरसा रही है, जबकि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले चरम पर है जिन पर सरकार लगाम तक नहीं लगा पा रही है। वहीं पहाड़ी जिले में हो रहे पलायन और महिला सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मृतक युवती अंकिता भंडारी को अब तक न्याय न मिलने पर सवाल उठाते हुए अजय कुमार लल्लू ने अडानी और के बैंक और LIC की धोखाधड़ी करने पर भी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि सरकार बेरोजगारों युवाओं पर लाठियां चलवाकर अपनी तानाशाही को दर्शाती है। जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार इस तरह के सवाल करती रहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मुद्दों को जोड़ना, एक मंच पर लाना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर,
अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है तो गलती तो हम बार बार करेंगे। और जो आप कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस टूटी कब थी, कमजोर कब थी? ये तो लोकतंत्र है, जनता का जनादेश है, और जनता जिसको जनादेश देती है वही नेता होता है। हम जनता के बीच में हैं, मुद्दों आधारित बात कर रहे हैं। हमने ना कभी धर्म की राजनीति की, ना भेदभाव की राजनीति की, ना जात की राजनीति की। हमने तो मुद्दों की बात की, हम तो किसानों की बात की, गरीबों की बात की, पिछड़ों की बात की। ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतांत्रिक ढंग से हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा मेरा अर्थ है कि लोगों के द्वारा, हम सब लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से तानाशाही करके मार पीट और बच्चों को इस तरह से जलील करेगी, बच्चों को इस तरह से खून, बच्चों के साथ खून खराबा करेगी। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सरकार होगी। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप में, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ किया जाता है, जो हमारे बच्चों के साथ किया गया है। ऋषिकेश में नेपाली फार्म के पास देहरादून रोड पर केंद्रीय भंडार डिपो में देर रात करीब 10:30 बजे भीषण आग लग गई और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। देर रात 10:30 बजे के आसपास लगी आग में गोदाम में बिजली बनाने के उपकरण, वायरिंग, केबल, तारकोट और ड्रम और मशीनें आदि जलकर खाक हो गए, जो भयंकर आग की लपटों में जलकर राख हो चुके हैं। और आग की घटना में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अग्निमिशन विभाग के हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रानी पोखरी स्टेशन की लगभग एक दर्जन गाड़ियों को बुला लिया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि गेल कंपनी की 2 गाड़ियों को भी आग बुझाने में लगाया गया। 7 घंटे से ज्यादा समय बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद ही सुबह 5 बजे के आसपास आग पर काबू पाया गया और सूचना पर रायवाला के थाना अध्यक्ष मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे और जिसके बाद आग बुझाने में हर संभव प्रयास करते रहे। घटनास्थल से सटे गेल कंपनी के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। उससे खड़ी जेसीबी मशीन सहित अन्य उपकरण भी जल गए और इस दौरान ही देहरादून के मुख्य शासन अधिकारी राजेंद्र सिंह खाती और हरिद्वार के नरेंद्र सिंह कुंवर लगभग 2 दर्जन दमकल कर्मियों के साथ मौके पर डटे रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।